अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दाऊद है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी फरोश। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज इस वक्त मैं खड़ा हूँ मेन जीटी रोड पे और मैं आपको अपडेट दूंगा। मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं आपको मरगला जो मेन रोड है उसकी सारी अपडेट दूंगा, वो कहाँ तक बन चुकी है, कब तक मजीद वो सारी फंक्शनल हो जाएगी, उस पर कितना काम हो गया और कितना हो रहा है, वो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा और मरगला रोड का पूरा एक आपको विजिट भी करवाऊंगा। और मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और साथ साथ मैं चलता हूँ मरगला रोड की तरफ और साथ साथ आपको बताता हूँ। जो इस वक्त जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ ये जीटी रोड है, ये जीटी रोड है और मेरा मुंह जो है वो बिल्कुल इस्लामाबाद की तरफ है, पिंडी की तरफ है, और वो जो दूसरा रोड है ना वो पिशावर की तरफ जा रहा है। यहाँ से हम जाएंगे मेन मरगला रोड पे, तो आपको साथ में अपडेट करता जाऊंगा कि इस पे कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और इससे क्या फ़ायदे होंगे और किन किन सोसाइटियों को फ़ायदे होंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ये माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त डबल रोड एक बनाया हुआ है इन्होंने और काफ़ी अच्छा रोड बनाया हुआ है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ तक फंक्शनल है, इससे किन किन सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा। इससे जो बड़ी दो सोसाइटीज़ है B17 और फैसल हिल्स, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी तो मार्केट डाउन है और लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं उनको नुकसान हो रहा है या फ़ायदा कब होगा, तो जैसे ये मरगला रोड, मरगला एवेन्यू फुल फंक्शनल हो जाएगा तो एक अच्छा खासा मार्केट में बूम आएगा, प्रॉफिट आएगा इस रोड की वजह से। इस रोड की वजह से जो टेक्सला वाकेंट या पिशावर वाली साइड से जो लोग जीटी रोड यूज़ करते थे उनको बड़ा एक मसला होता था, बड़ी टेंशन होती थी कि वो 26 नंबर में आके फंस जाते थे और इधर हैवी ट्रैफिक होती थी और बड़ा रश होता था। उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो जैसे ही आएंगे संजानी टूल प्लाजा से पहले ये अंदर की तरफ मरगला एवेन्यू का रोड आ जाता है और ये सीधा D12 तक और उसके बाद E11 और मेन जो मरगला रोड है इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद वाली उसको जाके कनेक्ट करेगा। ये देखें तो बड़ी ज़बरदस्त कारपेट रोड है, डबल रोड है, ये जिस तरह सीपैक रूट बनता है, जिस तरह सवात मोटरवे देख लें या हज़ारा मोटरवे देख लें, वैसी एक मोटरवे टाइप रोड बनी है। और इसके साइड पे देखें तो फेंसिंग है, ये बॉर्डर पे ये इन्होंने जाली दी हुई है कि इस साइड पे कोई जानवर या कोई बाकी जो चीज़ें वो ना आ सकें, तो ये बड़ा एक सेफ रोड होगा। और इसके साथ साथ ये एक बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने रोड बनाई है और इसको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डेवलप कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी से ये काम हो रहा है। मैं कुछ टाइम पहले भी इधर आया था तो इधर बड़ा सारा काम हो रहा था, एक पहाड़ी थी उसको काटा जा रहा था और पहाड़ी वो एक माइलस्टोन था इधर का कि वो बहुत बड़ी पहाड़ी थी और उसे काटना इतना आसान नहीं था। इसके साथ साथ देखें आप सर्विस रोड भी एक जा रही है और ये रोड फुली अभी D12 तक फंक्शनल है, इधर रोड लोग आते हैं जाते हैं। और ये रोड के साइड पे दिखाई है बस स्ट्रीट लाइट्स भी लगने के लिए तैयार है, रोड के जो सेंटर में जो बना हुआ है बॉर्डर इसके साथ साथ ही जो गैप है इधर सारी स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी और ये बड़ा ज़बरदस्त रोड है। इसका व्यू देखें तो ये मरगला की पहाड़ियाँ आपको लेफ्ट साइड पे मिलती हैं, बड़े मज़े का एक व्यू है। और ये बड़ा शॉर्टकट रास्ता है, जो लोग 50 मिनट एक घंटे में इस्लामाबाद पहुँचते थे टेक्सला वाकेंट से, इस रोड से वो तकरीबन इस रोड को जैसे ही वो कनेक्ट करेंगे तो 10 से 12 मिनट में ना वो इस्लामाबाद D12 या E11 में पहुँच जाएंगे। तो एक बड़ा ही खूबसूरत रोड बनाया है, इससे B17 मल्टी गार्डन और फैसल हिल को बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि ये रोड जो है डायरेक्ट इस्लामाबाद को कनेक्ट करेगा, बगैर किसी सिग्नल फ्री रोड है। जिस तरह आप कश्मीर हाईवे से जाते थे तो उधर आपको काफ़ी सिग्नल मिलते थे, 3 सिग्नल 4 सिग्नल मिलते थे, फिर 26 नंबर पे आपको रश मिलता था। और ये साइड पे देखें ये बड़ा ज़बरदस्त मरगला के पहाड़ है और बड़ा ज़बरदस्त ये इन्होंने काम किया हुआ है और बड़ी तेज़ी से काम हुआ है। ये लोग कहते थे पता नहीं कब बनेगा कब बनेगा कब बनेगा, तो जब इस पर काम स्टार्ट हुआ तो FWO ने बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ इधर काम किया और ये बड़ा खूबसूरत रोड बना हुआ है। मज़ीद मैं आपको रोड दिखाता हूँ और मज़ीद जहाँ पर काम हो रहा है वो जगह भी आपको दिखाऊंगा और वो जो पहाड़ी पहले काटी जा रही थी उसका भी स्टेटस आपको बताऊंगा कि वो कितनी कट चुकी है और उसमें कितना काम बाकी है। राइट साइड पे दिखाएं तो इसका वो सर्विस रोड भी देखें बन चुका है, इस तरफ भी सर्विस रोड है और ये ज़बरदस्त किस्म की कारपेट रोड है। अभी इसकी जो साइड पे बॉर्डर लाइन्स होती है येलो पट्टियाँ वाइट पट्टियाँ और वो नहीं लगी, वो जब लग जाएंगी तो ये रोड और खूबसूरत हो जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये रोड हो जाएगा और ये बड़ा एक शॉर्टकट होगा इस्लामाबाद वालों के लिए कि वो इस्लामाबाद आ सकते हैं जा सकते हैं बिना किसी टेंशन के और बिना किसी परेशानी के। यहाँ पे इन्होंने ये पहाड़ काटे हैं और बड़ी मेहनत के साथ ये रोड बने हैं इधर और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। व्यू देखें, ये मेरे इस साइड पे बोर्ड दिखाएं अगर आप, तो ये देखें इस तरफ सी डेवलपमेंट हो रही है, सेक्टर C14-15 इस्लामाबाद का कैंप ऑफिस भी है और ये डेवलपमेंट भी हो रही है। ये जी बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, ये आपके लेफ्ट राइट पे
जबरदस्त किस्म की गला के पहाड़ इस तरह फील होता है, जिस तरह आप स्वात मोटरवे पे जा रहे होते हैं या हजारा मोटरवे पे जा रहे होते हैं, इसी तरह वो पहाड़ कटे और दरमियान से मोटरवे है। और ये आपको C14 का बोर्ड भी एक राइट साइड पे नजर आ रहा होगा, और ये बड़ा जबरदस्त इधर काम हुआ है, उस साइड पे भी मशीनरी लगी हुई है। तो मैं इस रोड पे आराम से अपनी गाड़ी को 100-120 पे लेके जा रहा हूँ, और बड़े मजे का रोड है ये। रोड पे जो इनको प्रॉब्लम हुई थी वो प्रॉब्लम यही हुई थी, रोड पे सारे पहाड़ थे, ये सारे इधर पहाड़ कटे हैं और पहाड़ कट के ये रोड बना है। और इससे ये जब रोड 100% फंक्शनल हो जाएगा तो इससे बड़ा फायदा होगा। जो इन्वेस्टर हजरात हैं जो सोच रहे हैं कि भी मार्केट बिल्कुल डाउन है, तो इस डाउन सिचुएशन में अगर वो परचेजिंग करेंगे ना, और उसके बाद ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये थोड़ी सी स्टेबल होगी, तो इंशाल्लाह वो अच्छा खासा प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, वो इस पोजीशन का बड़ा फायदा उठाता है कि जब मार्केट डाउन होती है वो चीज उठा लेता है, और जब मार्केट अच्छी होती है वो बेच देता है। लोग सिर्फ सोचते हैं कि यार अभी मार्केट डाउन है, पता नहीं मुझे कितना नुकसान हो जाएगा, वो कहते हैं जी जल्दी जल्दी बेचे चीज को, और वो औने पौने दाम पे बेच देते हैं। जो अच्छा इन्वेस्टर होता है, समझदार और स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, वो चीज को उठा लेता है और उसको अच्छे प्रॉफिट पे फिर वो बेचता है। अभी हम जी उस जगह पे आ गए हैं, ये वो जगह है जहाँ पे कटी पहाड़ी, मतलब जो पहाड़ था उसको काट रहे थे, और अब ये पहाड़ बिल्कुल कट चुका है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने रोड, ये लैंड लेवलिंग हो गई है इधर की, और ये आगे मशीनें भी काम कर रही हैं। और मज़े की बात कहूँ इधर इधर 24 घंटे मशीनें काम करती हैं। ये बिल्कुल, अब मैं जा रहा हूँ, और ये बिल्कुल लास्ट टाइम आया था तो ये साइड वाला रोड दिखाएं, यहाँ से ऊपर जाना पड़ा था मुझे और वहाँ से घूम घुमा के आना पड़ा था। अब ये पहाड़ देखें, फुल्ली ये पहाड़ इन्होंने काट दिया और गाड़ियाँ आपके सामने आ रही हैं, जा रही हैं, तो ये बिल्कुल मशीनरी भी काम कर रही है, साथ इन्होंने ट्रैफिक को भी ओपन किया हुआ है। जो लोग घूम के उधर से जाते थे वो अब इधर से आराम से जा रहे हैं, तो हम मज़ीद आगे जा रहे हैं। ये मशीनरी इधर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही है, देखिए ना, काफ़ी 6-6, 8-8, 10-10 मशीनरी एक जगह पे लगी हुई हैं, बिल्कुल ये इसको काम कर रही हैं, रोड को बेहतरीन किस्म का बना रही हैं। ये इधर का माइलस्टोन समझ लें या इधर की हर्डल समझ लें, इस पहाड़ को काटना एक बहुत बड़ा इनके लिए सब्जेक्ट था, जो इन्होंने टाइमली काटा है, और इस पर फुली अभी वो काट चुके हैं और रोड को लेवल कर चुके हैं। अभी जो पहाड़ था वो काटा है उन्होंने, उधर से बिल्कुल रोड को उन्होंने लेवल कर दिया है, और मज़ीद हम आगे जा रहे हैं। इस रोड को तकरीबन 75-80% आप समझे डेवलप हो गया D12 तक, और ये इधर की जो कंस्ट्रक्शन है ना, डेवलपमेंट है, वो बड़ी तेज़ी से जा रही थी। पहले वो उधर से घूम के उस साइड से आना पड़ता था, तो अब जब मैं आया हूँ तो अब मुझे बिल्कुल उसी सीधे रास्ते से आना पड़ा है, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द रोड बन जाएगा। अब इस पर जो मैं बताऊँगी इस पर टाइम कितना लगेगा मज़ीद, कि ये कितना टाइम, लोग पूछ रहे हैं कि ये कब तक होगा, तो कई कह रहे हैं साल लग जाएगा, कई कह रहे हैं 2 साल लग जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 माह लगेंगे और ये रोड इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएगा। अभी इस पर जो काम लगा हुआ है, जिस हिसाब से इधर मशीनरी काम कर रही है, तो ये 6 से 3 महीने के अंदर अंदर ये बिल्कुल फंक्शनल कर देंगे इस रोड को, तो ये काम बहुत तेज़ी से। इधर 2 मसले आ रहे थे इनको, ये रास्ते में एक मदरसा और एक मस्जिद आ रही थी, तो उसकी वजह से काफ़ी स्टे लगा रहा, और एक ये पहाड़ी आ रही थी, और ये 2-3 चीज़ें थी जिसकी वजह से ये रोड थोड़ा सा डिले हो रहा था। तो वो माशाल्लाह से वो मस्जिद वाला मसला भी हल हो गया है, वो मस्जिद भी डिमोलिश कर दी गई है, और उधर बिल्कुल उनको रास्ता मिल गया, और एक मदरसा था वो भी उन्होंने उसको कर दिया है। और ये जो पहाड़ी थी, ये जो सबसे बड़ा इनके लिए एक मसला था, वो भी हल हो गया। अब ये सर्विस रोड है, और वो जो रोड है ना, वो रोड सीधा आएगा यहाँ से, वो उस साइड पे दिखाया सर, ये सारी इधर ये फिलिंग होगी, और ये सारा वो जो रोड आकर पहाड़ी से हम आए हैं वो सारा इधर आगे को जाएगा। तो ये एक सर्विस रोड है, इसके साथ सर्विस रोड को भी बेहतर कर देंगे जब वो रोड बनेगा, तो इधर के जो लोकल लोग हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, जो इधर D12 शाह आदित्य E11 के जो लोग हैं जो इस रोड को यूज़ करेंगे, उनके लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी। वो टेक्सला वाकेंट या कामरा अटक या मज़ीद आगे जाने के लिए उनके लिए बड़ी आसानी होगी। तो ये देख रहे हैं आप, ये कैसे इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट चल रही है, और ये रोड हाइट पर जाएगा थोड़ा यहाँ से, और उस रोड के जो वो जो पहाड़ी है उसके लेवल से ये बिल्कुल सीधा कर देंगे।
तो ये इस्लामाबाद के लिए समझे सोने की चिड़िया साबित होगी, जिस तरह पिंडी के लिए रिंग रोड है। अच्छा जी, ये हम आगे हैं, मजीद आगे, तो मजीद आगे आए हैं जैसे ही वो हमने वो सर्विस रोड को छोड़ा। तो ये सामने आप देख रहे हैं जो इस सरिये का वर्क हो रहा है, ये पुल बन रहा है अंडर पास, इस पे जो मरगला एवेन्यू है ऊपर से गुजरेगी। ये शाह दिता का जो एरिया है, ये गांव का एरिया, उस तरफ भी ये दरमियान से इनको कनेक्ट करेगा गांव को, इस तरफ से और उस तरफ से। जो उधर के लोग होंगे इधर के लोग होंगे वो नीचे से ही रास्ता इस्तेमाल करेंगे और गांव वाले लोगों को कोई मसला नहीं होगा। ऊपर से रोड गुजरेगा, नीचे से उनका रास्ता होगा। ये बिल्कुल ऊपर से सारी मशीनरी लगी हुई है और इस तरफ मेरे सारा ये शाह अल्लाह दिता गाँव है। और हम मजीद इसी रास्ते को कंटिन्यू करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि रोड एंड तक कहाँ तक जाता है। ये ऊपर बिल्कुल कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्कुल धड़ोधड़ कंस्ट्रक्शन हो रही है। अभी मैं आपको रुक के भी दिखाऊंगा इधर के मामलात सारे। ये यहाँ पे हम गाड़ी रोकते हैं। जी हाँ, तो मैं मेन जीटी रोड से होता हुआ मरगला एवेन्यू को इस्तेमाल करता हुआ डी 12 के मकाम तक आया हूँ। और ये जो डी 12 का मकाम है, वो जो कैमरा मैन मेरा आखिरी पैस दिखाया, तो वहाँ तक ये रोड बन चुका है और यहाँ तक ये रोड फाइनल हो चुका है। तो जब मैंने पीछे आपको रास्ते में बताया कि ये रोड जो है 3 से 6 महीने लेगा, तो जब मैं इधर आया तो मेरी यहाँ के FWO के जो इंजीनियर्स हैं उनसे बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा यहाँ पे कितना टाइम और लगेगा। तो उन्होंने कहा हमें यहाँ पे 20 दिन का और टाइम मिला हुआ है, डेड लाइन मिली हुई है 20 दिन की, कि ये इसको हमने कम्प्लीट करना है। तो कुछ रुकावटें थी, उन्होंने हमें बताया कि इधर एक किसी का घर आ रहा था दरमियान में, उसकी वजह से रुकावट थी, और मस्जिद और बाकी एक दो जगह की वजह से रुकावट थी, उसकी वजह से थोड़ा सा हम डिले हुए हैं। तो इंशाल्लाह दिसंबर के एंड में ये रोड फंक्शनल होगा और इस पे काम जो है बहुत तेजी के साथ लगा हुआ है, वो कह रहे 24/7 इधर काम हो रहा है। और ये रोड जो है इससे आगे मजीद 6 किलोमीटर आगे तक जाएगा, E11 को कनेक्ट करेगा, और E11 से आगे जो मारगला रोड है वो ऑलरेडी इस्लामाबाद को कनेक्ट कर रहा है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है इस्लामाबाद के लोगों के लिए, टेक्सला वाकेंट और हसनाबदाल के लोगों के लिए, कामरा अटक के लोगों के लिए जो जीटी रोड इस्तेमाल करते हैं, और जो सोसाइटीज जो इसके करीब है, जिस तरह फैसल टाउन है, मल्टी गार्डन है, B17 है, ये सोसाइटी को बहुत फायदा होगा। जो इन्वेस्टर हजरात हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरी मौका है। अभी मार्केट डाउन है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो इसमें भी परचेजिंग कर सकता है। और जैसे ये रोड बनेगा 2 से 3 माह बाद, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी स्टेबल हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मार्केट में एक अच्छा बूम आएगा और एक अच्छा लोग जो अभी परचेजिंग करेंगे वो एक अच्छा प्रॉफिट इंजॉय करेंगे। आज की मेरी वीडियो में यही अपडेट थी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।